अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। सुबह बाहर देखिए कितनी खूबसूरत सुबह है और मैं आ गई हूँ बाहर। मैंने सोचा आज तो व्लॉग का शुरू करते हैं बाहर रोड से, क्योंकि मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। ये देखें मोटा ताज़ा, इसी को ना पकड़ के आज पकाएं। भाग गया बेचारा लदास सोलियास। सुबह सुबह कौन आ गया मुझे पकाने की बातें कर। देखिए आज तो लंदन में है 30 वेदर, फुल गर्मी हो रहा। मैं आज 2-3 दिन की बाहर बाहर निकली, बड़ा मज़ा आ रहा है धूप में। तो चलते रहिए मेरे साथ साथ, तो दिखाती जाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे रोड पे काम कर रहे, यहाँ पे जो है ना पानी के मीटर लग रहे हैं, वाटर मीटर। तो सारी रोडें इन्होंने ब्लॉक की हुई है, ट्रैफिक इधर से नहीं आ रही, सिर्फ पैदल वाले जा रहे हैं। तो रहिएगा मेरे साथ साथ, तो जब मैं शॉपिंग करती हूँ आपको दिखाती हूँ। आज ये जाएगा मेरा व्लॉग, ऑल होम रूटीन्स और बाहर की भी। मैं आज तो बाहर भी दिखा दिया, पता नहीं कितनी देर तुम भी निकले हो बाहर। ओहो मैं गिरने वाली, बच गई उन्हें तो बड़ा डाडा डिगना खा दिया, अल्लाह माफ़ करे। इधर बहुत शोर है, मैं बंद करने वाली हूँ, फिर ठहर के बनाती हूँ जी। चलते चलते मैं आ गई हूँ पार्क में। एक ही बनाया था, पता नहीं अब इसमें क्या करना है, कोई गेम बनाई हुई है लगता है बच्चों के लिए। चलो देखते हैं क्या है। ये देखे डोर बनी हुई है, चाह कर दे किसी को, कोई भी नहीं है चा। ऐसे ये कली चा चा कर लगी। वो देखे बच्चों की है स्लाइड्स बनी हुई, दिल कर रहा है मेरा भी झूला लेने में। चलो टाइम दे छोड़ो फिर से ही। ऐसे पार्क बड़ा प्यारा है, देखे कैसे ट्री हैं बड़े बड़े, चड़ेलों के घर सुनना लैन। नहीं नहीं रहन दो रहन दो। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। आज मौसम अच्छा ना, तो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं पार्क में खेलने। वो क्या है, स्विमिंग पूल। चलो देखते हैं उधर क्या है। लेट्स गो। कुछ मजे की चीज लग रही है, पानी तो नहीं है वैसे ही है कुछ। नहीं नहीं ऐसी है, धोखा स्विमिंग पूल नहीं है। इसलिए कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, ये स्विमिंग पूल नहीं है। दूर से मुझे लगा स्विमिंग पूल में ही केड़ा पार्क है जिते स्विमिंग पूल बना सड़े ना। चलो सानू की असी होश हो गया देख के। चलो ओए होए इधर वेख लो नज़ारे। हम घूम फिर के आ गए वापस, तो करते हैं अपनी रेसिपी शुरू। ये चीज़ें तो सामने नज़र आ रही है ना, ये तो सबको बड़ी पसंद है ना, सबकी फेवरेट है लेडीज फिंगर। और ये साथ आज इन दोनों का होने लगा है मिक्सर। आज इन दोनों की बनाने वाली हूँ रेसिपी। आपने पहले खाई है सच सच बताना, नहीं ना खाई तो आज मैं बनाने वाली हूँ, देखना और फिर ट्राई करना, बड़ी मज़ेदार बनेगी। इतनी देर में मैं इनको नहला लूँ पहले, फिर इनकी कटिंग वगैरह कर लूँ, तो फिर मिलते हैं।
देखिए चीज़ों की हो गई है कटिंग। ये हमने 3 ऑनियन लिए हैं मीडियम साइज के और 3 ही टमाटो, ये भिंडी तोरी और ये काली तोरी, घिया तोरी, जो भी कह लें इसको। ये चीज़ें हो गई कट। अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। चले जी, हमने कर ली है आंच ऑन। अब हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गया, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। चलो इसको गर्म होने देते हैं। ऐसे बात उसे कर ले, इसे गुस्सा दिला देते हैं। आजकल तो फटाफट बंदूक आता है गुस्सा, तो इसको भी 2-4 बातें करते हैं तो ये खुद ही जल्दी से गर्म हो जाएगा। चलो रहन दो, ऐसे ही हो जाए, छोड़ो। सबसे पहले डालते हैं आलू। किसी पीछे रहो प्लीज। पहले डालने वाली अनियन, इनको थोड़ा पका लो। ये तुम्हें मशरूम से यहाँ बिछा रहे होंगे पिंक वाले, ये बड़ी जल्दी से ना सॉफ्ट हो जाते हैं और कुछ लेंगड़ किस्म के होते हैं वाइट वाले, और कुछ लोगों की तरह है ना साहब, कुछ लेंगड़ किस्म के लोग होते हैं और कुछ लेंगड़। लेंगड़ का मतलब पता ना, नहीं ना बता तो पता लगा लेना गूगल किस दिन काम आए। हाँ, और कुछ ज़्यादा ना ना बने बंदे जिनको लेंगड़ का पता नहीं मतलब पता, जिनको पता ना कमेंट्स में बताना कि लेंगड़ का मतलब क्या होता है। ठोस पंजाबी है जी, हम पंजाबी हैं और ठोस पंजाबी बोलते हैं। इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। ये थोड़ी देर में हो जाएगा तो अब इनको भी डाल देते हैं। चलो जी जाओ आप भी अंदर गप शप मारे आप देना। अच्छा, ये दोनों वाली रेसिपी जिस किसने खाई है साथ साथ बताना, कमेंट्स में बताना कि पहले खाई है कि नहीं। नहीं ना खाई तो तब भी बताना, अगर खाई है ना तब भी बताना, आने ना मार के पता चल जाएगा किसने खाई है किसने नहीं खाई। नहीं ना खाई तो ट्राई जरूर करना, बड़ी मजे की होगी। मीठा जिस तरह हो गया ना, इसमें नमक और मिर्च भी डाल देते हैं कम का। ये डाला नमक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है ना। हाँ ठीक है, पता तो मैं बता देती हूँ। तो और ये है जी सिर्फ मिर्च, इसका पता है राजी, और इसमें हल्दी भी मिक्स है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि इसमें हल्दी मिक्स है आ रहा है, ठीक है, पता नहीं तो और भी समझ आना। चलो इनको पकाते हैं थोड़ी देर, इतनी देर के ये जो टमाटो है ये इनकी शक्ल ख़राब हो गई, ये मिर्चाद हैं बेचारे। तो फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छी तरह पका लेते
देखिए ये भी भून रहे हैं, इनको भी और भूनना है, इनकी भून भी नैया करना है अभी और तकरीबन एक घंटे और। ये भी थोड़े ना सस्ता ये प्याज, ये जो है टमाटर देखें, तो फिर हम बताते हैं आपको कि नेक्स्ट क्या करना है। अभी ये तकरीबन ठीक हो गया, इनको इतना ज़्यादा भी नहीं भूनना, बस इतना मैंने बोला ना इतने भूनना, ये हो गया देखिए इस तरह। ये जो काली तोरी है ना ये डाल देनी है इसमें, ये गई। इसको अच्छी तरह पकाना है, पकाना मतलब कि इसको अच्छी तरह ना मिक्स कर लें, और इनके अंदर या जो स्पाइस डाले हैं उसमें सारा मिक्स हो जाए, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसको दम पर लगा देंगे। तब तक दम पे लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट, गर्म पानी डालेंगे ना ये तो पता फटाफट गल जाती हैं, ये जब बिल्कुल गल जाएंगी तो हम फिर नेक्स्ट बताएंगे क्या करना है, पहले तो इनको पकाते हैं ना। ये देखिए ये हो गया मिक्स, इसमें हम ना गर्म पानी ऐड करूँगी इतना, इतना गर्म पानी ऐड करके देखिए इतना मैंने पानी ऐड किया। अब इसको मैंने लगा देना है दाल पे, देखिए इतना पानी देख रहे हैं ना, इतना पानी लगा के इसको दम पे लगा देना है, और मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, तो 10 मिनट तक ये ठीक हो जाएंगे, मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए जी हमारे जो है काली तोरी ये बिल्कुल पानी सूख गया है और ये गल चुकी है पूरी तरह, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये गल जाती है। अभी नहीं, इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, आंच तेज़ कर लें, फ्लेम हाई, और हो जाए शुरू इसको भूने अच्छी तरह। देखे इसने घी छोड़ दिया हुआ, इसको 5 मिनट भूनते हैं। इस बेचारी को आगे ही देखे ना बिल्कुल तैयार हो गई है, इतनी ज़बरदस्त फ्रेश थी बिल्कुल ना। मैं अभी जो मैंने व्लॉग पूरा लगाऊंगी आपने देखा मैं बाहर गई थी, तो मैं फ्रेश फ्रेश लेके आई थी, इतनी सॉफ्ट थी, और देखे कितनी जल्दी ये गल भी गई है, और इतनी प्यारी लग रही है ना गल के बेचारी। देखें ये बिल्कुल हो गई है ठीक, बस भूनेंगे हमें थोड़ी देर, इतनी देर में आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गई, देखे जो मैं आज क्या शॉपिंग करके आई, देखें वाह पिंक फ्लावर नाइस है ना। अभी इसका मैंने रैप सही तरह नहीं उतारा, मैं फिर बाद में आपको सही तरह दिखाऊंगी, बिल्कुल बेबी पिंक कलर के हैं फ्लावर, इसके रोज है। आज यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे आज क्रॉप
तकरीबन ये भून चुकी हैं। देखिए अब मैं ये भिंडियाँ सारी इसके अंदर डाल दूँगी। ये इसके अंदर के इसको 2 मिनट के लिए आपने भूनना है और भून के इनको भी दम पे लगा देना। ये तो पता है ये भी बेचारी फटोफट ही हो जाती है, दोनों बेचारी हैं आज बेचारी बेचारी मिक्स हो गई। इसको मैं भूनूंगी तकरीबन 2 मिनट। आपको मेरे फ्लावर कैसे लगे हैं पिंक वाले? इतने प्यारे से हैं, क्यूट से, छोटे छोटे से। अभी जब मैं इनको सही तरह सेटल कर लूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। इनको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी और इसके बाद फिर थोड़ा सा इन्हें धोएंगे और फिर रेडी हो जाएंगे। मैंने दम पे लगा दिया, आंच आस्ता कर दी, अब ये दम पे लगी रहेंगी। देखिए मैंने भिंडी जो दम पे लगाई थी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से हमारा ये वाला सालन तैयार हो गया है, भिंडी तोरी और काली तोरी और घिया तोरी जिसके कहते हैं हम, आप जो भी समझ लें इसके कितने नाम हैं। और ये डन है, अब मैं इसमें डालूंगी धनिया और रेडी टू ईट। और ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूं। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।